नमस्कार, NBCN न्यूज के प्रदेश की खबरों में मैं ऐश्वर्या आपका स्वागत करती हूं। बढ़ते हैं आज की उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। फिरोजाबाद के टुंडला DFC से गुजरी मालगाड़ी, सांसद ने दिखाई हरी झंडी। न्यू टुंडला रेलवे स्टेशन पर बनाई गई है मालगाड़ियों के लिए लाइन फिरोजाबाद। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का शुभारंभ मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल तरीके से किया गया। कानपुर के न्यू भाऊपुर से गुजरी मालगाड़ी फिरोजाबाद के न्यू टुंडला रेलवे स्टेशन होकर गुजरी। इससे पहले भी DFC का रेल राज्य मंत्री सुरेश अगाड़ी द्वारा टुंडला पर शुभारंभ किया गया था। रेल पटरियों पर मालगाड़ी का दबाव अधिक होने के कारण पैसेंजर ट्रेनों को समय से चलाने में रेलवे को असुविधा हो रही थी। इसी को देखते हुए रेलवे ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के तहत मालगाड़ियों को गुजारने की योजना तैयार की। न्यू टुंडला रेलवे स्टेशन से मालगाड़ियों को गुजारा जाने लगा। मंगलवार को पहले चरण में कानपुर देहात के न्यू भाऊपुर से बुलंदशहर के खुर्जा के बीच देश के पहले DFC रेलवे ट्रैक के प्रधानमंत्री के हाथों मंगलवार को उद्घाटन हुआ। कोरोना वैश्विक महामारी के कारण देश आर्थिक संकट में था। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोचा कि किस तरह संकट जूझे जाए, किस तरह से पार पाएंगे, तो उन्होंने देखा कि माल गाड़ियों से अगर माल को अधिक ढोया जाए तो कुछ लाभ मिल सकता है। उसके तहत उन्होंने जो है मालगाड़ियों के द्वारा माल धोने के लिए मालगाड़ियों का हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन किया। सांसद डॉक्टर चंद्रसेन जादौन ने मालगाड़ी को हरी झंडी दिखाई। हालांकि मालगाड़ी टुंडला पर रुकी नहीं, वह नॉनस्टॉप गंतव्य के लिए रवाना हो गई। इस मौके पर भाजपा नेता भी मौजूद रहे। NBCN न्यूज के लिए फिरोजाबाद से रिहान अली की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद में DPRO पर लगा रुपए लेकर शौचालय पास करने का आरोप। किसी और गांव के शौचालयों का निर्माण कराया दूसरे गांव में, बिना गड्ढे और एक गड्ढे के शौचालय हुए पास, रुपए लेकर पास कराने का लगाया आरोप। DPRO साहब ने किया था निरीक्षण। बिना गड्ढों और एक एक गड्ढे के शौचालय हुए पास, साथ ही आरोप लगाते हुए कहा कि और गांव के शौचालयों का निर्माण हमारे यहां पर कराया है जो भी अधूरे पड़े हुए हैं। साथ 3 रिबोर हुए थे लेकिन वो भी बिना समरसेबल के पड़े हुए हैं। 3 साल से पानी की टंकी खराब पड़ी हुई है। DPRO साहब ने शौचालयों का निरीक्षण किया था। गाँव वालों ने रुपए लेकर पास कराने का आरोप लगाया। परेशानी ये है कि उपचुनाव में यहाँ हमने बहिष्कार का ऐलान किया था, जिसमें शासन ने एक्शन लिया और थोड़ा काम चालू करा दिया। 3 रिवोर कराए, 5-6 लैटिन बनवाई जो बाहर के किसी अन्य व्यक्ति की हैं, एक भी हमारे गांव की नहीं है, वो भी आधी अधूरी हैं। बाबा के मंदिर की जो लैटिन है उसमें गड्ढा ही नहीं बनाया और 3 जो रिवोर कराए हैं उनमें आज तक समझ नहीं डली है। प्रधान कहते हैं तुम कर लो जो कुछ कर पाओ, मेरा मैं कुछ नहीं कराऊंगा। आखिर कौन डकार गया गरीबों का पैसा, कौन है जिम्मेदार? इसी गांव ने किया था उपचुनाव का बहिष्कार। दिखावे के लिए कराया था कार्य जो अधूरा पड़ा है। जब इस मामले पर वीडियो व DPRO ने नहीं उठाया फोन। नारखी ब्लॉक के गांव भून नगरिया का मामला है। NBCN न्यूज के लिए फिरोजाबाद से रिहान अली की रिपोर्ट। निजी गौशाला में ठंड से मर रही गाय की खबर बनाने गए पत्रकारों के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वायरल वीडियो में जमीन पर गाय भी पड़ी हुई और नोकझोंक हो रही है। पुलिस ने पत्रकार की तहरीर पर मारपीट का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। जिला प्रशासन ने मारपीट को आपसी रंजिश बताते हुए गौशाला में गायों की मौत से इनकार किया। मिर्जापुर में निजी गौशाला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में जमीन पर बड़ी संख्या में गाय पड़ी हुई है। खबर बनाने गए पत्रकारों के साथ नोकझोंक हो रही है। मामला लालगंज थाना क्षेत्र के बरखच का बताया जा रहा है, जहां 28 दिसंबर 2020 को गांव में पूर्व प्रधान काशीनाथ पटेल का निजी गौशाला में ठंड में गाय की खराब स्थिति पर खबर बनाने गए पत्रकारों के साथ गौशाला संचालकों द्वारा नोकझोंक और मारपीट की गई। पत्रकारों ने पुलिस को दी गई शिकायत में गौशाला में दर्जन भर से अधिक गायों के मरे होने का दावा करते हुए बताया कि शिकायत मिलने पर वह लोग खबर बनाने के लिए मौके पर गए थे। गौशाला में जमीन पर पड़ी गायों का वीडियो बनाने लगे तो गांव के ही पूर्व प्रधान ने मारपीट की। मारपीट करने की शिकायत पत्रकारों ने लालगंज थाने पर की। गाँव बरकज थाना लालगंज में एक मारपीट और धक्का मुक्की की घटना सामने आई थी, जिसमें संतोष कुमार ने एक तहरीर दी है काशीनाथ पटेल और लालेश्वर प्रसाद के विरुद्ध।
उनकी तहरीर के आधार पे मुकदमा अपराध संख्या 337/2020 धारा 323(5)(5)(10) पंजीकृत किया गया है और सीओ लालगंज द्वारा इसकी विवेचना की जा रही है। विवेचना उपरांत जो चीज़ सामने निकल कर आई उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। नया गांव ग्राम बरकच तहसील लालगंज में पूर्व ग्राम प्रधान काशीनाथ पटेल द्वारा एक निजी गौशाला खोली गई है, जिसकी जानकारी जिला प्रशासन को नहीं थी, लेकिन जब ये आपका न्यूज़ वायरल हुआ है तब जानकारी हुई है, जिसकी जांच सीबीओ और एसडीएम लालगंज को भेज करके कराई गई है। जांच में किसी भी गाय का वहाँ मरना या ठंड से मरने की कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है, न ही जाँच में किसी तरह की साक्ष्य की पुष्टि हुई है। ये जो वीडियो है इसकी जांच अलग से कराई जाएगी। अगर कोई दोषी पाया जाता है संबंधित प्रधान जिन्होंने निजी स्तर पे गौशाला खोली है। पुलिस ने तहरीर पर मारपीट का मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। वहीं वायरल वीडियो में ठंड से गायों की मौत के दावे पर जिला प्रशासन ने इसकी जाँच उप जिला अधिकारी लालगंज को दी। प्रशासन के मुताबिक जाँच के मौके पर कोई भी गाय मरी हुई नहीं मिली है, नहीं गायों के फेंके जाने का कोई साक्ष्य मिला। एनबीसी न्यूज के लिए मिर्जापुर से अजय दुबे की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में शाम होते ही 3 अज्ञात बदमाशों ने किसान को गोली मार दी। किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें कि पूरा मामला मेरठ के मवाना थाना क्षेत्र के गांव भैंसा का है, जहां किसान सतीश अपने खेतों से काम करके अपने घर को लौट रहा था। लौटते समय अज्ञात बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने और ग्रामीणों ने मिलकर घायल को इलाज के लिए मेरठ भेजा, जहां घायल सतीश का इलाज चल रहा है। पुलिस की माने तो गोली मारने का कारण पुरानी रंजिश के चलते बताया जा रहा है। तो वही पुलिस ने पूछताछ के लिए 3 युवकों को हिरासत में लिया हुआ है और उनसे पूछताछ करने में जुटी है। कल थाना मवाना के ग्राम भैंसा में एक व्यक्ति जिनका नाम सतीश उर्फ कल्लू है, पुत्र धीर सिंह, उनको अज्ञात व्यक्ति के द्वारा गोली मारी गई है। इनको इसके उपरांत अस्पताल में भर्ती करवाया गया है उपचार के हेतु। इनके द्वारा कुछ व्यक्तियों पर शक जाहिर किया गया है एवं रंजिश का जिक्र किया गया है। पुलिस इन सभी पहलुओं पर जांच कर रही है, जल्दी घटना का अनावरण कर लिया जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से पुलिस पुरानी रंजिश के चलते वारदात को बता रही है, कब तक खुलासा कर पाएगी। हालांकि पुलिस को अभी तक घायल के परिजनों ने तहरीर नहीं दी है। एनबीसी न्यूज के लिए मेरठ से राशिद खान की रिपोर्ट। जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ पुलिस को मिली एक और सफलता। चेकिंग के दौरान 25,000 रुपए के इनामी अपराधी सहित हाईवे पर लूट व डकैती करने वाले गिरोह के 4 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन एवं अपर पुलिस अधीक्षक सर्वेश कुमार मिश्रा के आदेश व निर्देश पर पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर SN वैभव पांडे के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जनपद में शातिर व वांछित अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान थाना बाबूगढ़ पुलिस व जनपदीय टीम बी की संयुक्त टीम ने चेकिंग के दौरान 25,000 रुपए के इनामी अपराधी सहित हाईवे पर लूट व डकैती करने वाले गिरोह के 4 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से थाना बाबूगढ़ से लूटा गया टाटा कंटेनर में लूटी हुई 698 पेटी शराब व थाना डिबाई जनपद बुलंदशहर से लूटी गई बुलेरो पिकअप व अवैध असलाह व कारतूस बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि अभियुक्त गणों के कब्जे से लूटी गई शराब की कीमत करीब 21,00,000 रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि अभी बीते 26 दिसंबर को थाना बाबूगढ़ पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 25,000 का इनामी बदमाश सहित 4 बदमाशों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हाथ लगी थी। तो वही एक हफ्ते में दूसरी बड़ी सफलता हाथ लगने पर थाना बाबूगढ़ पुलिस की प्रशंसा की जा रही है। एनबीसी न्यूज के लिए हापुड़ से अनिल कश्यप की रिपोर्ट। मथुरा RSS के विभाग कार्यालय पर सामूहिक रूप से पथराव किया गया। सोशल मीडिया पर पथराव का वीडियो वायरल हो रहा है। आरोप है कि गैर समुदाय के लोगों ने स्वयं सेवक कार्यकर्ताओं से मारपीट की। चोरी के आरोप में गैर समुदाय के 2 किशोरों को पुलिस के सौंपने के विरोध में मंगलवार को संघ कार्यालय पर मारपीट की गई। इस घटना में 2 स्वयंसेवकों के मामूली चोटें आई है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हम आपको बता दें कि मंगलवार की शाम थाना गोविंद नगर क्षेत्र स्थित RSS के कार्यालय केशव भवन पर संघ कार्यकर्ताओं के द्वारा गैर समुदाय के एक युवक को चोरी करते हुए पकड़ लिया गया। चोरी कर रहे युवक को कार्यकर्ताओं ने पुलिस को सूचना दी।
पथराव की सूचना के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। बताया गया है कि सोमवार को स्वयं सेवकों द्वारा चोरी करते पकड़े गए दूसरे समुदाय के किशोर को पुलिस ने छोड़ दिया था। पुलिस ने मंगलवार देर शाम नाबालिग सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि ड्यूटी पर तैनात 2 सिपाहियों का निलंबन कर दिया है। समुदाय विशेष के लोगों द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय पर हुए पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। थाना गोविंद नगर स्थित आरएसएस के कार्यालय पर कुछ स्थानीय युवकों द्वारा आपस में विवाद को लेकर पथराव की घटना हो गई। इस संबंध में थाना गोविंद नगर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। दोषी व्यक्तियों में से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और शेष व्यक्तियों की यथाशीघ्र गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिले के एसएसपी ने हेड कांस्टेबल शिशुपाल सिंह और कांस्टेबल मयंक कुमार का निलंबन कर दिया है। मामले की जानकारी देते हुए एसपी सिटी वरुण कुमार सिंह ने बताया कि केशव भवन के सामने सड़क पर निर्माण सामग्री पड़ी रहती है। एक किशोर को स्वयंसेवकों ने सरिया चोरी करते पकड़ा और पुलिस को सौंप दिया। मामले में पुलिस ने एक नाबालिग बबलू खान और मुख्तियार को गिरफ्तार किया है। फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। एनबीसी न्यूज के लिए मथुरा से अजय ठाकुर की रिपोर्ट। एनबीसी न्यूज के प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों से हम आपको यूं ही रूबरू करवाते रहेंगे। देखते रहिए एनबीसी न्यूज। नमस्कार।